नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश जो कि काफी अच्छा बनेगा, और 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये स्वीट डिश जो है बना के दिखाऊंगी, और कभी भी आप बना के खा सकते हैं, ऐसा एक टिप्स भी दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। आगे चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। वो एक सस्पेंस है एक्चुअली, जो कि अभी जैसे ही मैं गैस के पास जाऊंगी आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन कितने अच्छे से टेस्टी बनाने वाली हूँ और कितना कम टाइम में बनाने वाली हूँ वो आपको देखने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में। तो चलते हैं, तो चलती हूँ मैं अपने गैस की तरफ। मैंने एक पैन बैठा दिया है और ये पैन जो है सूख भी चुका है, मैंने सूखा हुआ पैन जो है मैंने बैठा दिया है। तो इसके इसमें हम डालेंगे देसी घी जो कि 1 चम्मच है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, और 1 चम्मच देसी घी से डाल के मैं जो है गैस को करती हूँ ऑन। तो इस चीज में मैं डालने वाली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। वो ड्राई फ्रूट्स है ये, मैंने 2 आलमंड को बारीक कट कर लिया है, 2 काजू को जो है बारीक कट, और इसके लिए मैंने 2 जो है ऐसे ही साबुत रखा है काजू को, 2 बादाम को भी मैंने साबुत रखा है, और 2 को मैंने बिल्कुल हाफ पीसेस में कट कर दिया है। जी हाँ, तो हम बनाने वाले हैं सेवई। मैं ये 1 कटोरी सेवई बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगी, और कम सामान में, जो सामान दिखाया बस उसी में आपको ये बना के मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों, घी मेरी गर्म हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसमें मैं डालूंगी, सबसे पहले हम डालेंगे जो सेवई है इसको हम भून लेंगे, और इसको भूनने से पहले मैं जो है ये जो मैं डेकोरेट के लिए ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ उसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा गोश्त। इससे क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है, मतलब जो भी स्वीट डिश हो उसमें अगर हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा हम उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना चाहिए, तो उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा। इसी कढ़ाई में हम डालते हैं अपनी सेवई जो कि मैंने रखा था कटोरी में, इसको हम जो है थोड़ा रोस्ट कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। इसको हमें करना है रोस्ट। तो सेवई मेरी रोस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल बारीक से दिखा रही हूँ कैमरे में। तो सेवई मेरी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ इंटीरियर, ऐड करेंगे ये अपने ड्राई फ्रूट्स जो कि कोकोनट का पाउडर है, बारीक किया हुआ मैंने किया है खुद से, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। ये आलमंड है, ये काजू है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हल्का सा भूनने के लिए इसमें हम डाल देंगे, ओके। और इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। मैंने ली थी 2 इलायची जो हरी वाली इलायची होती है, इससे क्या होता है कि इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो जिसमें हम अदरक पूछते हैं इसमें हम थोड़ा सा बारीक, या तो अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप मिक्सर में पीस के भी, और हमें बहुत सारा बर्तन नहीं यूज करना है, इसीलिए हमें क्या करना है, जिस कढ़ाई में हमने बनाया है, पैन में बनाया है, उसी में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध। और मैंने 1 गिलास दूध इसमें ऐड कर दिया है, और 1 गिलास दूध में और इसमें ऐड कर, तो इस पूरे सेवई में जो है मैंने सिर्फ 2 गिलास जो है दूध इसमें ऐड किया है। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और कम डालना है तो कम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि उसमें अच्छी नहीं बनेगी, बस ये होता है कि दूध से थोड़ा सा स्वाद आता है। और इसमें मैंने 2 गिलास डाला है तो आप देख सकते हो कैसा आता है। अब इसको हमें पकाना है, इसमें थोड़ा सा और टेस्ट आने के लिए इसमें मैं 2 चम्मच जो है मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो, सिर्फ 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि अगर आपकी दूध की क्वांटिटी कम है तो वो जो है प्रॉपर हो जाएगा, और इससे भी जो है थोड़ा सा टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने कुछ इसमें जो है थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज किया है। और ये आप देख सकते हो मैंने एवरीडे का यूज किया है, नेस्ले एवरीडे का, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर जो कि मैंने खरबट्टे में जो है बारीक किया था, अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इलायची पाउडर को भी मैंने डाल दी, आप देख सकते हैं हमारी जो सेवई है वो पकना शुरू हो गई है। ये 5 मिनट लगेगी, ये गाढ़ा हो जाएगा, जो दूध है जो ज़्यादा दूध बिक रहा है वो आपको वो थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये पक जाएगी अच्छे से। इसी के साथ मैं आपको एक टिप्स भी बता देती हूँ, ये मोटी वाली सेवई लिया है मैंने, आप देख सकते हो, इस वजह से ये थोड़ा 10 मिनट का टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आप पतली सेवई यूज करते हो, 2 तरह के सेवई आते हैं, एक पतला भी आता है एक मोटा भी आता है,
मैंने मोटी वाली यूज की है, ठीक है, लेकिन अगर आप पतला वाला यूज करते हो तो उसमें सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेंगे, मतलब आप जब मिल्क वगैरह डालते हो तो सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है, नहीं तो वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गल जाएगा और बिल्कुल लिबलिबस हो जाएगा। तो मात्र सिर्फ 5 मिनट ही उसको, मतलब अंदर दूध वगैरह डालने के बाद उसको रखना है। तो बस इसको बनाते समय आप ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, मोटा वाला या पतला वाला, उस हिसाब से आप जो है टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए तो मैं, हमारा दूध जो है गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये मैंने इस स्पून से जो है 2 टेबल स्पून लिया है शुगर, आप चाहे तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा मीठा और बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज 2 चम्मच काफ़ी हो जाती है। फिर हमें करना है इसको अच्छे से मिक्स। तो फाइनली हमारी सेवई जो है शुगर भी मेल्ट हो चुकी है और ये फाइनल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये गच्छेदार मोटे वाले में यही फायदा होता है कि ये गच्छेदार हो दिखता है, और वो वाला क्या होता है, पतला वाला जो है वो बिल्कुल उसमें मतलब दिखता नहीं है। अब हम करेंगे इसको सर्व। ये रहा फाइनल लुक हमारी सेवई का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे उससे मैं इसको कर रही हूँ डेकोरेट। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, रेसिपी का मजा तभी आता है जब वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको रोस्ट करके डेकोरेट करने के लिए रखा था ड्राई फ्रूट्स। और ये जो इलायची के कवर होते हैं ना, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको भी देखने में बहुत अच्छा दिखता है। तो ये रहा मेरा फाइनल, मैंने इसको देखिए डेकोरेट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो बनाइए और खाइए और बताइए, अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। बनाइए और खाइए इस लाजवाब, इसको आप मेहमानों को भी शेयर कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।